हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, जब वो अगर हम लोग कोई उनको बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट बताओ क्या होगा, एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी या एट एक्स इक्वल टू जीरो या किसी भी पॉइंट पे, तो सीधा सा ये भी आंसर नहीं कर पाते। तो ये कहाँ से आता है? बेसिकली जब हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में बेसिकली, तो उस टाइम हमारे पास जिस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, ये मुझे लगता है कि ये एक कारण है कि जिसकी वजह से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए क्योंकि जो कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर आपको एक सीधा थ्योरम का प्रूफ के लिए पूछा जाता है, या तो एग्जाम्पल अगर सॉल्व भी करना है तो वहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। सिंपली आपको प्रोसीजर पता होती है कि इस प्रॉब्लम को इस प्रोसीजर से सॉल्व करना है, और वहां से हमारा आंसर मिल जाता है मोस्टली कॉलेजेस में। मैं सारे कॉलेजेस में नहीं बात कर रहा हूँ, और इसलिए स्टूडेंट को सोचने वाली जो आदत है, वो सोचने की आदत कम हो जाती है। और CSIR नीट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो वहां पर आपको सोचने वाली चीजें आपको ज्यादा पूछी जाती है कि आप गिवन क्वेश्चन के ऊपर सोचो और फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वहां पर आपको, आपने अभी देखा होगा कि CSIR नीट का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन कभी नहीं होता। वो आपको दो चार कॉन्सेप्ट से मिलाकर वहां पर सारे कॉन्सेप्ट वहां पर उस क्वेश्चन में लगते हैं, तब जाके वो क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए अगर अगर आप CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहे, तो उनके साथ दिक्कत यही है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो है कि चलो अभी एग्जाम हुआ, दिसंबर का एग्जाम हमारा हो चुका है, तो अभी CSIR नेट का एग्जाम है जून में, तो अभी वो एकदम रिलैक्स्ड है कि जब मेरे पास अप्रैल आ जाएगा या मई आ जाएगा, तो उस टाइम में फिर से स्टार्ट करूंगा एग्जाम का स्टडी करना, और फिर एक दो महीने में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और फिर क्वालिफाई हो जाऊंगा। ये एक अलग सोच है, ये एकदम गलत सोच है। क्योंकि अगर CSIR नेट आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर टाइम देना होगा उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि वन नाइट शो किया और हम लोग पास हो गए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, 6 महीने आपको लगातार पढ़ना होगा। मोस्टली हम लोग अभी ऑब्जर्व भी करते हैं कि अब जैसे ही एग्जाम हो चुका है, तो स्टूडेंट्स एकदम रिलैक्स्ड हैं, वो अब एकदम शुरू कर देंगे उनकी पढ़ाई अप्रैल मई में। तो ऐसा मत करो, अगर आप क्वालिफाई एग्जाम करना चाहते हैं, तो फिर आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर करने हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए उस सब्जेक्ट के लिए। वो स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट भी हम लोगों ने इस CSIR नेट के चैनल के ऊपर अपलोड की है, उस बुक्स के वीडियोज आप देखिए। कौन से बुक, कोई भी बुक उठाइए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसका पहला चैप्टर आप पढ़ लीजिए। उस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या जरूरी है, वो सारी चीजें उस पहले चैप्टर में आपको प्रोवाइड की होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली रियल एनालिसिस पढ़ना है और डायरेक्टली आपने रूटीन को पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जो जरूरी हैं, वो आपको पहले आने चाहिए, और फिर आपको एडवांस टॉपिक्स जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें हर एक स्टेप का रीजन पता चलेगा कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम अपना जून में है, अभी आप एक दो महीने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता, तब तक इस एग्जाम को क्वालिफाई करना मुश्किल काम है। हम लोग जब बैच में पढ़ाते हैं, तो हम लोग बेसिकली एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इवन जब भी मैं पढ़ाता हूँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, उसकी ऑर्डर क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन, और फिर वहाँ से हम लोग चलते हैं। तो
अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करिए, कोई भी बुक का पहला चैप्टर आप पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट है कि उस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, वैसे भी हम लोग बताते रहते हैं, अब कोई भी क्वेश्चन आप उठा लिए वहां पर चार ऑप्शंस जो दिए रहेंगे उसमें एक ना एक ऑप्शन जरूर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा उस सब्जेक्ट्स में से। तो इसीलिए अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी जो CSI नेट के लिए ऑनलाइन बैच हमारी स्टार्ट हो रही है या हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं उनको आप परचेस कर सकते हैं और अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या एडवांस टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छा बना सकते हैं। रिपब्लिक डे के अवसर पर 75% का ऑफ दिया जा रहा है ऑन ऑल CSI नेट कोर्सेज। इसकी जो लाइव बैच है वो ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कल से ही स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर इस बैच में एनरोल करें। उसके साथ साथ आप यहाँ पर भी कुछ ड्यूरेशन के हिसाब से भी आप प्राइसेस देख सकते हैं, 6 महीने के लिए विदाउट स्टडी मटेरियल आपको ओरिजिनल प्राइस जो है इसकी इतनी दिखाई दे रही है, अब डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो इतनी दिखाई दे रही है। सिमिलरली 12 महीने के लिए, 24 मंथ्स के लिए एंड विद स्टडी मटेरियल अलग प्राइसेस हैं। तो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को तो बहुत कम प्राइस में 75% ऑफ के साथ आपको ये बैचेस अवेलेबल हैं। इसमें अगर कोई क्वेरी आती है तो आप ज़रूर इस नंबर के ऊपर कॉल करिए। साथ ही साथ अगर रिकॉर्डेड कोर्स आप परचेस करते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स के ऊपर भी 75% का ऑफ है, तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो का मतलब यही है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा आसान रहेगा हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक उठाना है, उसका जो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरीज वो चैप्टर आपको पढ़ना है। उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने पास 6 महीने तो नहीं कहूँगा लेकिन 5 महीने ज़रूर हैं। इस 5 महीने में 1 महीना आपका जरूर जाने दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करिए और फिर आप एडवांस टॉपिक के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप डायरेक्टली एडवांस टॉपिक के ऊपर फोकस करने शुरू कर दोगे और या आप ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली ट्रिक सीखूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करूंगा, सारे क्वेश्चन ट्रिक से नहीं होने वाले एग्जाम में, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं होता तब तक ट्रिक्स भी आपको नहीं आएंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। कुल मिलाकर आज के वीडियो का यही मोटो है, कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए उसका बेसिक चैप्टर पहला पढ़ लीजिए और तब जाके आप आगे बढ़िए। हम लोग भी आपके साथ हैं, कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्वेरी आ रही है तो हम लोग कभी मना नहीं करते कि, या फिर कोई टीचर मना नहीं करता कि आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है वो डाउट पहले पूछ लीजिए और जब वो डाउट आपके मन से क्लियर हो जाएगा तब जाके आगे बढ़िए। इस हिसाब से जब सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तब जाके हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। आप ये देखिए कि अगर हमारे मन में डाउट्स बचे रहेंगे तो फिर हमें आगे जाके पढ़ाना है ना स्टूडेंट्स को, तो अगर हमारे ही डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे उनको। तो स्टूडेंट जब हमसे डाउट पूछेंगे और अगर हम आंसर नहीं कर पाए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर कर लो पहले। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सभी को एंड हैप्पी लर्निंग।